ऐसा दिखा जो सुनियों से भी ज्यादा अमीर है। वैसे तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे घर में सारा सामान इम्पोर्टेड है, क्या करें, हमारे शौक ही कुछ ऐसे हैं। वैसे अपने बड़े बड़े शौक को पूरा कर पाना ये भी किस्मत की बात होती है। तुम सबका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमने तो इस बार कुछ पूछा ही नहीं। जब देखो तब खुद की ही बातें करता रहता है। खैर जाने दो, क्योंकि ये सब बातें तुम लोगों की समझ से परे हैं। आज मैं तुम सब बच्चों को एक नए दोस्त से मिलवाता हूँ, चलो अंदर आ जाओ। मेरा नाम बिल मनी है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, तो मतलब तुम और तुम्हारे डैड यहाँ बिजनेस के सिलसिले से आए हैं। अच्छा तो बिल, क्या हम हमारे इस लेटेस्ट मॉडल एरोप्लेन से खेल सकते हैं? वाह, ये तो अच्छा है। हम अमीर हैं, इसलिए हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। बिल, वैसे तुम्हारे पास तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या ये असली है? ये कितना मजेदार है। बिल, तुम वाकई में कितने अमीर हो। हमारे पास भी क्रूजर है, समझे ना? बिल, तुम्हारे पास भी है? मेरे पास क्रूजर नहीं है, पर मेरे पास बहुत बड़ी सबमरीन है। सबमरीन है? हमारे घर पर एक बहुत बड़ा तालाब है। क्या तुम्हारे पास है बिल? नहीं, पर हमारे यहाँ गार्डन में झील है। हमारे पास एक टापू पर बड़ा सा विला भी है, समझे ना? क्या तुम्हारे पास ये है बिल? हमारे पास तीन कैसल हैं, एक जर्मनी में, एक स्विट्जरलैंड में और एक इंडिया में। क्या बात है? ये सब मेरे डैड का है, इसलिए वो मेरा नहीं है। देखा जाए तो बिल के मुकाबले में सुनियो उतना अमीर नहीं है ना? इसके पास तो सुनियो से भी ज्यादा चीजें हैं। प्लीज खरीदिए ना, एक जेट और एक एयरफील्ड। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर एक किला खरीदिए, वो भी हमारे लिए ज्यादा है। बिल का किला, बताइए इसे, मुझे नहीं चाहिए। अभी फेब्रुअरी गया नहीं था। मैं बिल से कैसे जीत पाऊंगा? क्या हुआ सुनियो, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? डोरेमोन, डोरेमोन, तुम थोड़े पतले हो गए हो। तुम सुंदर दिख रहे हो, सच कहो तो तुम जैसा कोई भी नहीं है। अब बस करो सुनियो। मेरा एक काम कर दोगे डोरेमोन? क्या ऐसा गैजेट जो तुम्हें पैसे दे? ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है सुनियो। डोरेमोन ऐसा मत कहो, वो बात ऐसी है कि मैं मॉम के लिए गिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन मैं अपना पर्स घर पर भूल आया हूँ, मेरी मदद करो। पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें की हो जिस पर मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। अरे हाँ, अगर वो इस्तेमाल करे तो फ्यूचर चेकबुक। क्या मुझे इससे पैसे मिल जाएंगे? दरअसल ये अलग है सुनियो, अगर तुम इस पर जरूरत के हिसाब से अमाउंट लिख कर साइन करो तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो। अरे कहाँ चला गया ये सुनियो बीना? क्या मैं इसे सच में इस्तेमाल कर सकता हूँ? एक फ्रूटी केक देना प्लीज अंकल। ठीक है, इसके पैसे दे दो। माफ करना, क्या ये चलेगा? बिल्कुल, ये लो। ये तो मैंने सच में खरीद लिया, अब इसकी मदद से मैं बिल से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। क्या तुम स्कूल पैदल आते हो? मुझे गाड़ियों से जाना पसंद नहीं है, क्योंकि पैदल चलते हुए मैं नजारों का मजा ले सकता हूँ। हेलो, कैसे हो सब लोग? तो फिर कैसी रही? सब कुछ सोने का है, ये फ्लूट, नोटबुक, पेंसिल केस भी और इरेजर भी। ये बकवास है, क्योंकि मैं इससे कुछ भी नहीं मिटा सकता। ये सोने का रबर तुम्हारे किसी काम का नहीं है सुनियो। सही कहा। मुझे बताए तो मुझे चिढ़ा रहे हो।
ये बहुत टेस्टी है। क्या तुम खाना चाहते हो? ये स्पेशल और लग्जरी खाना है, जानते हो? ये स्कूल का खाना कितना बढ़िया है। हाँ, ये बहुत टेस्टी है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? नहीं, रहने दो, सुनियो। अब शर्माओ मत, चलो बैठो ना। क्यों, कैसी लगी? अपने घर से भी ज्यादा यहाँ आराम कर सकते हो तुम। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? रहने दो, हम पैदल ही चले जाएंगे। हमें पहले ही पैदल जाना चाहिए था, सुनियो। चलो चलते हैं। बाय। ये लो। नाइस कैच। तुम बढ़िया खेलते हो बिल। तुम अच्छे दिख रहे हो। बहुत अच्छे, क्या बात है। सब बिल का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि वो खास है। ये लो 5,000 रुपए नोबिता, और जियान इसे तुम रखो। शिजुका तुम्हारे लिए 10,000 रुपए है। हाँ? इससे तुम अपनी मनपसंद चीजें खरीदना और जो मन करे वो खा लेना। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, तो क्यों ना हम ये गेम मेरे घर पर खेले, क्या कहते हो? तुम तैयार हो बे? अच्छे से खेलना। अब तो मैं बिल से ज्यादा अमीर हूँ, तो फिर ये मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मारो बिल। मैं अपने दोस्तों को कैसे बहुत अच्छा लग सकता हूँ? सबसे ऊंचा टावर बनकर तैयार हो चुका है, जिसे देखने के लिए हर जगह से लोग आएंगे। तो ये वो होने का बस स्काई टावर में आपका स्वागत है। ये क्या है? दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर वन टावर, जो सबसे ऊंचा है और खूबसूरत भी है। सबसे मजबूत सीमेंट से बनेगा। प्लीज बचे हुए सीमेंट से मेरा स्टैचू जरूर बना देना। ठीक है। अरे सुनियो, डोरेमोन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं इस लग्जरी टावर को बना पा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितने पैसे लगेंगे? चिंता मत करो, मेरे पास ये जो है। इस फ्यूचर चेक से तुम सिर्फ एडवांस के लिए पैसे पा सकते हो, जो तुम्हें भविष्य में कमाने पड़ेंगे। क्या कहा, फ्यूचर मनी? सुनियो बेटा, ये तुम्हारी इस महीने की पॉकेट मनी। खाली जो चीजें तुमने फ्यूचर चेक से खरीदी है, उनका भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें। क्या कहना चाहते हो? जाइंट टीवी, ये तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाएगा। माचिस ले लो, माचिस, माचिस ले लो। मुझे ये सब दे दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी ठंड है माम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बूढ़ी होने पर तुम ऐसी हालत में आ जाओगी। नहीं, ऐसा क्यों होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हो सकता ऐसे। फिक्र मत करो, अब बस तुम्हें फ्यूचर चेक लौटाना होगा और बस आगे की जिंदगी काटनी होगी। अभी भी देर नहीं हुई है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम मेरी मदद क्यों करोगे भला? अब तो मैं अमीर आदमी भी नहीं रहा हूँ ना। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती। क्योंकि बिल बहुत अमीर है, तुम सब उसका ख्याल रखते हो ना। ये कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसे नहीं है, हमारे लिए तो बिल और सुनियो दोनों दोस्त हैं। ऐसा है तो मुझे ऐसा क्यों लगा? गलत। जरा सुनिए, ये तैयार हो गया। रुको, मैं ये कंस्ट्रक्शन बंद कर रहा हूँ। क्या सोने से तुम्हारा मन भर गया? इंसान को पैसे से नहीं तोला जा सकता। बच्चों, कहते हुए बुरा लग रहा है कि बिल स्कूल छोड़कर जा रहा है। तुम लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है, तुम लोगों का शुक्रिया। हाँ? अरे नहीं, ऐसा क्यों? क्यों, तुम अचानक जा क्यों रहे हो? हाँ? बिल अब यहाँ नहीं होगा, मतलब
अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ। पैसा मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, मुझे तो बस दोस्त चाहिए, वो भी तुम्हारे जैसे दोस्त। अच्छा हुआ कि मैंने तुम सबको नहीं खोया। पैसों से दोस्ती कभी भी खरीदी नहीं जा सकती है दोस्तों, ये सच है।